वही बात अगली खबर की। पलवल जादूगर सीपी यादव ने महाराणा प्रताप धर्मशाला में रह रहे प्रवासियों के लिए मैजिक शो का आयोजन कर अपने जादू से मंत्रमुग्ध कर दिया। जादूगर यादव ने अपने जादुई करतब दिखाकर प्रवासियों को हैरान कर दिया। इस दौरान जादूगर ने विभिन्न प्रकार के जादुई करतब दिखाकर सभी को जागरूक किया कि वह इस कोरोना रूपी महामारी से कैसे बच सकते हैं। वही शहर थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि महाराणा प्रताप धर्मशाला में रह रहे प्रवासियों के लिए मैजिक शो का आयोजन किया गया है ताकि इन सभी लोगों का मनोबल बढ़े। इस दौरान जादूगर सीपी यादव ने विभिन्न प्रकार के जादुई करतब दिखाकर सभी को जागरूक किया कि वह इस कोरोना रूपी महामारी से कैसे बच सकते हैं और उन्हें जादू के माध्यम से ये बताया गया कि कैसे हम सभी सोशल डिस्टेंस के साथ रहकर इस कोरोना रूपी महामारी से मुक्ति पा सकते हैं। भवन में ये काफी दिन से रुके हुए हैं तो कोरोना के लिए लॉकडाउन की तिथि बढ़ा दी है, तो इनके दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए और उनके मनोरंजन बढ़ाने के लिए हमने एक या इस संस्था में एक मैजिक शो का आयोजन किया गया है और हमने बुलाया है। तो हमारे जो ये प्रवासी लोग हैं इन्हें इसका डिस्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए और बहुत शालीनता से इन्होंने इस मैजिक शो का आनंद लिया है और तथा जो कोरोना की बीमारी जो बढ़ रही है इसका बारे में अपने आप को बचाने के लिए, अपने पड़ोस को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए ये गुण मैजिक शो के माध्यम से इनको बताया गया है और इन सभी को बहुत अच्छा पसंद हुआ है और मैं आशा करता हूँ कि ये इस चीज़ को अपने जीवन में उतारे और भविष्य में इस जो ये भयंकर जो बीमारी चल रही है इसे इस जंग में हम कामयाब होंगे। कुल आज जो ये पहल है माननीय SHO साहब ने सभी जो यहाँ ठहरे हुए व्यक्ति हैं जो यहाँ से जा रहे थे कोरोना को लेकर उनको यहाँ विस्थापित किया गया है और इन लोगों के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया कि कोरोना से कैसे बचें। खेल खेल में मनोरंजन के साथ हमने सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया, उन्हें बताया कि कैसे हमें डिस्टेंस के साथ रहना है और अगर इस कोरोना से मुक्ति पानी है तो हमें दूरी बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मास्क लगाएं, एक दूसरे से किसी भी ऐसे कपड़े को जिसका आप यूज़ करते हैं जगह जगह थूके नहीं, बार बार साबुन से हाथ धोएं और सभी ने इन चीज़ों को माना है और बहुत अच्छा हमारे भारत में कोरोना की जंग के खिलाफ हम सभी कलाकार और हमारे राष्ट्र के सैनिक सभी लगे हुए हैं और हम जरूर जीतेंगे इस कोरोना की जंग को।